गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से बतौर भाजपा प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन पत्र दाखिला को लेकर उनके समर्थकों का उत्साह हार कपा देने वाली सर्द हवाओं और बूंदाबांदी पर भारी पड़ा। बीती रात की तेज आंधी पानी से प्रतिकूल हुए मौसम के बावजूद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित नामांकन सभा से लेकर महानगर की सड़कों तक योगी समर्थकों का जोश, जुनून और जज्बा देखते ही बन रहा है। इंद्रदेव रुक रुक कर धरती पर फुहार भेज रहे थे, तो इस दौरान जय श्री राम, भाजपा जिंदाबाद और भारत माता के नारों की लगातार हो रही भावनाओं की बारिश भी समूचे माहौल को तरबतर कर रही थी। तालियों की गड़गड़ाहट भी बता रही थी कि अपने महाराज योगी जी के प्रति यहाँ के लोगों का क्या भाव है। निर्वाचन आयोग की बंदिशों के चलते एमपी ग्राउंड में कुर्सियों की संख्या भले ही सीमित थी, लेकिन इस मैदान के इर्द गिर्द भाजपा कार्यकर्ताओं और योगी समर्थक जनता की स्वतः स्फूर्त जुटान को गिन पाना मुश्किल था। योगी आदित्यनाथ के प्रसाद दाखिला को लेकर स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं का जोश जहां उफान पर दिखा, वहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी इसे अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। नामांकन सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के चुनाव प्रभारी व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कई पदाधिकारियों की मौजूदगी इसकी तस्दीक कर रही थी। इस दौरान निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और अपना दल के नेता आशीष पटेल ने भी मंच पर अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराकर यह संदेश देने की कोशिश की कि योगी की अगुवाई में भाजपा सरकार बनाने को सहयोगी दल भी अपनी दमदार भूमिका निभा रहे हैं। नामांकन सभा का समय सुबह 10 बजे तय किया गया था, लेकिन 9 बजे तक ही पूरा पंडाल भर गया। मोदी, योगी, जय श्री राम के गगनभेदी नारे लगने लगे थे। उधर गोलघर की सड़कों पर योगी समर्थक गाजे बाजे के साथ झूमते फिर रहे थे। एक बार ही ऐसा लग रहा था कि आज नामांकन नहीं, परिणाम का जश्न मनाया जा रहा है। हर समर्थक कार्यकर्ता पर योगी के नेतृत्व का जुनून नजर आ रहा था। उधर नामांकन सभा में कार्यकर्ताओं का जोश देख केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी खूब गदगद दिखे। जोश को और परवान चढ़ाते हुए उन्होंने यह कहकर भारत माता के जयकारे लगवाए कि यहाँ की आवाज सहारनपुर तक जानी चाहिए, फिर तो कार्यकर्ताओं का जोश और ठाठे मारने लगा। सीएम योगी के नामांकन में अयोध्या से आए परमहंस आचार्य ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च के बाद संकट मोचन के गदा का प्रहार होगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आएगी और 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी तथा प्रदेश में योगी जी आएंगे और राम राज्य लाएंगे। कहा कि यह चुनाव बजरंगबली व बाहुबली के बीच में है। उन्होंने कहा कि बजरंगबली भाजपा के साथ है और बाहुबली गुंडे माफियाओं के साथ है, इसलिए प्रदेश में बजरंगबली का गदा चलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अयोध्या से आए आचार्य परमहंस ने कहा, आनंदित।
विधानसभा में खुल करके हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में योगी जी जिंदाबाद सरकार बनेगी और जिस गति नामांकन में आए हैं तो ये पूरे देश में एक उत्साह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री का कुर्सी तय करता है, जिसके नाते हम लोग पूरे देश के हिंदू देखिए पूज्य महाराज जी पधारे हुए हैं, जगत गुरु परमहंसाचार्य जी आप माननीय मंत्री हैं हमारी, तो कहने का मतलब है देखिए पूज्य महामंडलेश्वर देखिए पूज्य संत भी हैं, तो पूरे उत्साह है हम जनमानस में। और आज यही कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति निकलकर बूथ तक पहुंचे, बूथ पर पहुंचने के बाद जो सबके लिए किया, जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ काम करता है उसके साथ दें, ना कि गुंडा माफिया के साथ बुलडोजर चलाने वाले के साथ आप दीजिए। ये लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं, मैं अयोध्या से आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, उत्सव का माहौल है और योगी जी को 400 प्लस सीटें मिलेंगी, उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी से खुश है। जो महापर्व है यह उत्तर प्रदेश के नागरिक बस यही कहेंगे कि हर व्यक्ति जो है एक दूसरे को सजग करे, विपक्ष के भ्रम में फंसाने पर लोग न आए, और राष्ट्रवादी जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी है, योगी जी को जो है 400 प्लस सीटें दे करके और उत्तर प्रदेश को जो है फिर से राम राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें।